आइए आज हम आपको पाकिस्तान के चंद शहरों के नामों के बारे में दिलचस्प और हैरानकुन मालूमात बताते हैं। ये मालूमात हमने इंटरनेट से जमा की है। कराची, तकरीबन 220 साल पहले ये माहीगीरों की बस्ती थी। कलाचू नामी बलोच के नाम पर इसका नाम कलाची पड़ गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता कराची बन गया। 1925 में इसे शहर की हैसियत दी गई। 1947 से 1959 तक ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत रहा। कराची को पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब भी कहा जाता है। लाहौर, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर और सूबे पंजाब का दारुल खिलाफा लाहौर। लाहौर के नाम के सिलसिले में मुख्तलिफ रिवायात हैं। उनमें से एक ये है कि हिंदुओं के देवता रामा के बेटे लावा के बाद लाहौर नाम पड़ा। लावा को लौह से पुकारा जाता था और लौह के लिए तामीर किया जाने वाला किला लौह आवर से मशहूर हुआ, जिसका वाज़े माने लौह का किला था। इसी तरह सदियां गुजरती गईं और फिर लौह आवर लफ्ज तब्दील होकर लाहौर हो गया। इस्लामाबाद, 1959 में मरकजी दारुल हुकूमत का इलाका करार पाया। इसका नाम मजहब इस्लाम के नाम पर इस्लामाबाद रखा गया। रावलपिंडी, यह शहर रावल कौम का घर था। चौधरी झंडे खां रावल ने 15वीं सदी में बाकायदा इसकी बुनियाद रखी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद क्योंकि करीब करीब वाक़े हैं, इसलिए इन दोनों शहरों को जुड़वा शहर भी कहा जाता है। हैदराबाद, हैदराबाद का पुराना नाम नेहरून कोट था। कल्होड़ों ने इसे हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से मंसूब करके इसका नाम हैदराबाद रख दिया। इसकी बुनियाद ग़ुलाम कल्होड़ा ने 1768 में रखी। जंग, यह शहर कभी चंद झोपड़ियों पर मुश्तमिल था। इस शहर की इब्तदा सदियों पहले राजा सरजा सयाल ने रखी थी और यूं ये इलाका जग्गी सयाल कहलाया, जो वक्त गुजरने के साथ साथ जंग सयाल बन गया और फिर सिर्फ जंग रह गया। डेरा गाजी खां, पाकिस्तान का यह शहर इस हवाले से खसूसियत का हामिल है कि इसकी सरहदें चारों सूबों से मिलती हैं। मियां वाली, एक सूफी बुजुर्ग मियां अली के नाम से मौसूम शहर मियां वाली 16वीं सदी में आबाद किया गया। मुजफ्फरगढ़, वाली मुल्तान नवाब मुजफ्फर खां का आबाद करदा शहर। 1880 तक इसका नाम खानगढ़ रहा। अंग्रेज हुकूमत ने इसे मुजफ्फरगढ़ का नाम दिया। क्वेटा, पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान का दारुल खिलाफा क्वेटा। क्वेटा का लफ्ज क्वाटा से बना, जिसके माना किले के हैं, और ये बिगड़ते बिगड़ते क्वाटा से क्वेटा बन गया। क्वेटा एक खूबसूरत वादी है। हड़प्पा, ये दुनिया के कदीम तरीन शहर का एजाज रखने वाला शहर है। हड़प्पा साहिवाल से 12 मील के फासले पर है। कहा जाता है कि ये मोहनजोदड़ो का हम असर शहर है, जो 5000 साल कबल अचानक ख़त्म हो गया। ऋग्वेद के कदीम मंत्रों में इसका नाम हरी रूपा लिखा गया है। जमाने की चाल ने हरी रूपा को हड़प्पा बना दिया। टैक्सिला, गंधारा तहजीब का मरकज, इसका शुमार भी दुनिया के कदीम तरीन शहरों में होता है। ये रावलपिंडी से 22 मील फासले पर वाक़ है। 326 कबल मसीह में यहाँ सिकंदर आजम का कब्जा हुआ। गुजरांवाला, एक जाट साही खान ने इसे 1365 में आबाद किया और इसका नाम खानपुर रखा। बाद अजां अमृतसर से यहाँ आकर आबाद होने वाले गुजरों ने इसका नाम बदलकर गुजरांवाला रख दिया। पेशावर, पेशावर लोगों की निस्बत से इसका नाम पेशावर पड़ गया। एक रिवायत के मुताबिक महमूद गजनवी ने इसे ये नाम दिया, जबकि एक और रिवायत के मुताबिक इसका नाम पेश आवर से पेशावर में तब्दील हुआ है। सियालकोट, 2000 कबल मसीह में राजा सलकोट ने इस शहर की बुनियाद रखी। बरतानवी अहद में इसका नाम सियालकोट रखा गया। खेलों की इंडस्ट्री की वजह से सियालकोट का नाम पूरी दुनिया में मारूफ है। मुल्तान, कहा जाता है कि इस शहर की तारीख 4000 साल कदीम है।
البیرونی کے مطابق اسے ہزاروں سال پہلے آخری کرت سگیا کے زمانے میں آباد کیا گیا۔ اس کا ابتدائی نام کیسا پور بتایا جاتا ہے، فیصل آباد۔ اسے ایک انگریز سر جیمز لائل گورنر پنجاب نے آباد کیا۔ اسی کے نام پر اس شہر کا نام لائل پور رکھا گیا تھا۔ بعد ازاں عظیم سعودی فرما روا شاہ فیصل شہید کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ اسے پاکستان کا مانچسٹر بھی کہا جاتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ورلڈ نامہ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔